जस्ट फाइव रीजंस जिन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां इज गोइंग टू बी अ फ्लॉप। तो जब तुम इस मूवी के बारे में सोचने जाओगे तो तुमको क्या याद आएगा, मतलब मूवी का सेलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा मत सोचो, वो तो खुद मेकर्स को भी नहीं पता। और देखो किसी भी मूवी सीरीज के चेहरे होते हैं उसके एक्टर्स, जाकर BMCM के एक्टर्स यानी उसके चेहरों की बात की जाए तो भाई टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की किस्मत इस वक्त सच में बहुत बुरी चल रही है। चलो टाइगर का तो एक बार को मान भी लें, पर अगर तुम देखोगे तो अक्षय भी कोई बहुत ढंग का काम नहीं कर रहा है इस पिक्चर में। इवन टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, मुझे इसके टीजर ट्रेलर्स में टाइगर की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लग रही है अक्षय कुमार से। जहां देखो मानता हूं अक्षय एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है, वंस ही वाज फेस ऑफ इंडियन कॉमेडी मूवीज, ही वाज खिलाड़ी कुमार ऑफ हिज टाइम, पर अभी जब टाइम बदल चुका है, लोगों का फिल्म देखने का नजरिया बदल चुका है, तो आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ता है। You just can't take advantage of your established audience. ऊपर से आप अपने इंटरव्यू में आकर खुद इस मूवी को बैड बॉय लेवल सेट बताकर लोगों की उम्मीदों का बार इतना ऊपर सेट कर दे रहे हो कि उस लेवल को अचीव करना भी एक टाइम के बाद एक पाप लगने लगता है। और वो भी तब जब इस तरह की मूवीज हर तरह की ऑडियंस को पसंद नहीं आती, और आती भी है तो जेलर टाइप। मतलब किसी भी मूवी को यादगार बनाती है उसकी दो चीजें, एक उसके एक्टर्स यानी मूवी का चेहरा, और दूसरा उसकी कोई भी एक स्पेशलिटी। लाइक अभी हमने जेलर का ही एग्जाम्पल लिया था, तो अगर तुम जेलर को याद करने जाओगे तो तुमको सबसे पहले क्या याद आएगा, नंबर वन पर रजनी सर और नंबर दो पर टाइगर का हुकुम। मतलब देखो यार आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिमार्केबल हो। एंड बाई एनी चांस अगर आप कुछ भी, कोई चीज, कोई गाना, कोई BGM, किसी एक्टर की एंट्री, अगर आप कुछ भी रिमार्केबल या फिर कुछ भी मेमोरेबल बना देते हो, तो उसके लिए फिर आपको करनी पड़ेगी एक अच्छी मार्केटिंग, जो अगर आप देखोगे तो 10-12 गाने, पूरी कहानी बता देने वाला ट्रेलर और थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम रील्स के अलावा कुछ खास किया नहीं है आपने। इवन आपकी मूवी के प्रमोशनल मटेरियल से ज्यादा आपकी इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है। जहाँ मैं एक बात करना चाहूंगा कि रियल लाइफ में दोनों एक्टर्स का एक दूसरे को छोटे या बड़े बोलना इज नॉट कूल। भाई देवर जेट नहीं है वो तुम्हारे, मतलब यार यू आर जस्ट डूइंग ब्रह्मास्त्र लेवल शिट नहीं बोलना है, मतलब यार यू आर जस्ट राइटिंग ब्रह्मास्त्र लेवल डायलॉग्स। एंड ब्रह्मास्त्र में कम से कम एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी थी, और इतने ब्रिलियंट डायलॉग्स को इस तरह से परफॉर्म करना, आई मीन सीरियसली यार, एक दूसरे के डायलॉग्स को कंप्लीट करना इज नॉट कूल, एटलीस्ट फॉर यू गाइस। एंड हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन जिसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि BMCM इज गोइंग टू बी अ फ्लॉप, उसका प्रोडक्शन हाउस, जिसने अपने 38 साल के करियर में 38 मूवीज दी हैं, जिनमें से सिर्फ 9 ही सक्सेसफुल हुई, बाकी 17 फ्लॉप थी और 12 डिजास्टर्स। एंड ध्यान देना, पिछले 22 सालों में इन्होंने एक भी क्लियर हिट नहीं दिए, और इनको कुछ रीसेंट काबिले तारीफ काम आते हैं कूली नंबर 1, कठपुतली, बेल बॉटम, मिशन रानीगंज एंड आई नीड योर अटेंशन गनपत। एंड इसीलिए अब मेरी कुछ ज्यादा खास उम्मीदें हैं नहीं इस मूवी से, मूवी डिसेंट भी निकल जाए तो मेरे लिए चलेगा, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है मुझे, क्योंकि अब देखो टाइगर श्रॉफ एक बहुत मेहनती बनता है, मैं तो मैं जो सोच भी नहीं सकता उसके जैसा लेवल अचीव करने का मार्शल आर्ट्स, और यार पता है तरस आता है इस आदमी को, इसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है बॉलीवुड में। एंड सेम हेयर फॉर अक्षय कुमार, भाई मार्वल एंड पूरे हॉलीवुड वाले बैठा के पूजा करें ऐसे एक्टर्स की जो 40 दिन में पूरी पिक्चर शूट करके खत्म कर देता हो, पर यही है अब जब आदमी का टाइम खराब चल रहा होता है तो सभी पास से उल्टे पड़ने लगते हैं। खैर हम इनके अच्छे फ्यूचर की कामना करेंगे आगे इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और कर भी कह सकते हैं हम। तो यही थे हमारे कुछ रीजंस जिनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि BMCM इज गोइंग टू बी अ फ्लॉप। बोलने में थोड़ा सैड लगता है यार इन दोनों एक्टर्स के लिए, लेकिन अब तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं हमारी इस वीडियो, हमारे इन रीजंस पर और इस मूवी की ट्रेलर मार्केटिंग जो भी है उन सब पर हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, हम जरूर से जानना पसंद करेंगे। और अगर तुम्हें हॉलीवुड की BMCM देखनी है, आई मीन गॉडजिला एक्स कॉन्ग देखनी है, देखने का प्लान कर रहे हो पर अभी क्लियर नहीं हो कि देखने जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे लास्ट में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमको जरूर से फॉलो करना हमसे फुल टाइम जुड़ने के लिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर वो है ही। और अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू, यू नो राइट, कर दो यार फिर। सी यू ऑल।